यूपी में कोरोना के 90-95% मामले हॉटस्पॉट वाली जगह से सामने आए हैं। यूपी सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी कि यूपी सरकार का हॉटस्पॉट से निपटने का जो प्लान है वो सबसे कारगर है और इसीलिए ज्यादातर केस सिर्फ हॉटस्पॉट वाली जगहों से ही सामने आए हैं। तो हॉटस्पॉट से 90-95% केस कोरोना पॉजिटिव यानी हॉटस्पॉट से सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं, इस तरह की जानकारी दी गई है अवनीश अवस्थी की तरफ से। जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं, 90-95% केसेस जो है हॉटस्पॉट के अंदर से ही आ रहे हैं या उन केसेस से आ रहे हैं जिनकी टेस्टिंग हो गई है और रिपोर्ट 1 या 2 दिन बाद प्राप्त हो रहे हैं। तो कोरोना हॉटस्पॉट से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, 90-95% तादाद है ऐसे मरीजों की जो हॉटस्पॉट से जुड़े हैं। आपको बता दें, दरअसल ये जानकारी दी गई है यूपी सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की तरफ से, जिन्होंने कहा है कि यूपी सरकार का हॉटस्पॉट से निपटने का जो प्लान है वो सबसे कारगर है और इसीलिए ज्यादातर जो केस है सिर्फ हॉटस्पॉट वाली जगहों से ही सामने आए हैं। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली से रवि सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से हमारे साथ दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके की जानकारी यूपी सरकार की तरफ से दी गई है, ये कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो केसेस है वो हॉटस्पॉट वाली जगह से सामने आए हैं और साथ ही ये भी कहा कि यूपी सरकार का जो प्लान है कोरोना से निपटने में वो कारगर साबित हुआ है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जो बात कही है वो सटीक है, क्योंकि जिस तरह से मामले बढ़े थे उसके बाद हॉटस्पॉट जोन बनाया गया था और उसके बाद उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था, कोई ना वहाँ से बाहर निकल सकता है और उसके आसपास की मार्केट को बंद किया गया था, जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट थी उसको घर के अंदर ही सीमित कर दिया गया था ताकि उनको ऑर्डर के जरिए उनको सरकार उपलब्ध कराए। और इसका खासा नतीजा ये निकला है कि लोग बाहर नहीं निकले और जिन हॉटस्पॉट इलाके थे जो जोन बनाए गए थे, क्योंकि अभी तक 16 हॉटस्पॉट, जो गाजियाबाद की बात करें तो 16 हॉटस्पॉट गाजियाबाद में है, तो रणनीति वही है कि हॉटस्पॉट एरिया से किसी को बाहर ना जाने दिया जाए और लोगों के बीच में लॉकडाउन का पूरा पालन करवाया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारे जो फायदे हैं यहाँ पर दिख रहे हैं। और 90-95% की जो बात कही गई है बिल्कुल सही कही गई है, क्योंकि हॉटस्पॉट एरिया के अंदर ही ट्रीटमेंट जो टेस्ट जो चल रहे हैं उन्हीं लोगों के चल रहे हैं और वहीं से ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि यूपी गवर्नमेंट ने जो रणनीति बनाई थी उसी की तर्ज पर ये काम हो रहा है और इसको लेकर आगे भी इस तरह के प्रयास होंगे, क्योंकि जिस तरह से टेस्ट हो रहे हैं हॉटस्पॉट इलाकों के जो जोन हैं वहाँ पर से जो भी रिपोर्ट आ रही है वो इसी तरीके से आ रही है कि हॉटस्पॉट इलाका जोन के ही लोग जो है या तो कोरोना से पीड़ित हैं या फिर क्वारंटाइन में भेजे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि दूसरी जगह पर इसका असर नहीं दिख रहा है और यही एक रणनीति यूपी सरकार की थी और उसी पर अब अमल किया जा रहा है। बिल्कुल, तो ये रणनीति थी और उसी पर अमल किया गया, यानी हॉटस्पॉट में ही संक्रमण रहा, उससे आगे नहीं फैला। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि सिंह भी दिल्ली से हैं। रवि, यूपी सरकार का प्लान सफल रहा, इस तरह की जानकारी अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 90-95% मामले हॉटस्पॉट से यानी उससे आगे नहीं बढ़ पाए। दिल्ली में क्या इस तरह की स्थिति दिखाई देती है? देखिए, लगभग चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात या फिर दिल्ली की, सरकारें अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने स्तर पर कर रही है। दिल्ली में भी कुछ इसी तरीके की हैं कि हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं और हर रोज एक लिस्ट नई आती है जिसमें कंटेनमेंट जोन कहा जाता है, यानी कि वो ऐसे इलाके, वो ऐसे जिले जहाँ पर वो एक प्रतिबंधित क्षेत्र, जो निगरानी वाला क्षेत्र कहा जा सकता है, कंटेनमेंट जोन, जहां पर पूरी तरीके से प्रशासन के ही डायरेक्शन से ही सारी वहां पे कार्यवाही होती है, गतिविधियां चलती हैं, यानी कि अगर कोई भी अगर ज़रूरी सामान भी लेना है तो डायरेक्शन प्रशासन का चलता है और एक दायरे में सिमट के रखा जाता है कि जिससे कि उस दायरे से ज़्यादा केसेस आगे ज़्यादा ना फैले और यही वजह है इसको कंटेन कर दिया जाता है। तो सरकार की तरफ से लगातार लिस्ट आती है और उस इलाके में काफ़ी ज़्यादा गहन निगरानी की जाती है प्रशासन की तरफ से, सप्लाई से लेकर और निगरानी से लेकर वहाँ पर खास करके टेस्ट की सुविधा भी दी जाती है कि जिससे कि जो कंटेनमेंट वाला इलाके या हॉटस्पॉट वाले इलाके हैं वहाँ पर जो लोग रहने वाले लोग हैं कम से कम सबसे पहले उनको खतरा होता है, क्योंकि वायरस का संक्रमण फैलने का
अगर बड़ी मात्रा में एक इलाके में आते हैं तो ऐसे में कोशिश ये होती है कि उस दायरे से आगे ना बढ़ सके, यही वजह है। यानी दिल्ली में भी कोशिश यही रही कि जहां जहां ज्यादा मामले सामने आते गए उन्हें हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी मेरठ से उमेश श्रीवास्तव भी हैं। उमेश, क्या यूपी सरकार की रणनीति इसलिए भी सफल रही क्योंकि जैसे जैसे मामले बढ़े उन इलाकों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया, उन इलाकों को पूरी तरीके से सील कर दिया गया? जी हाँ, देखिए सबसे पहले मैं ताज़ा अपडेट आपको बता दूं कि मेरठ में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 89 हो गया है, मेरठ में कोरोना के मौतों का आंकड़ा बढ़कर 4 हो गया है और मेरठ में कुल 23 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। और यकीनन जो बात आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है कि सरकार की रणनीति बिल्कुल काम आ रही है, क्योंकि जिस तरह से हॉटस्पॉट बनाए गए, जितने भी मरीज आ रहे हैं वो ज़्यादातर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में ही हैं, चाहे वो मेरठ के शास्त्री नगर का इलाका ले लें, चाहे मेरठ के जलीकोठी का इलाका ले लें, चाहे मेरठ के सरधना का इलाका ले लें, फलादा का इलाका ले लें या लखीपुरा का इलाका ले लें, जितने भी इलाके ट्रेस किए गए हैं और जो जो नए मरीज आ रहे हैं वो ज़्यादातर हॉटस्पॉट वाले इलाकों से ही हैं। अभी ताज़ा अगर अपडेट की बात की जाए तो लखीपुरा इलाके में भी एक जो नया पेशेंट पाया गया है वो भी हॉटस्पॉट वाले इलाके का है। इसके अलावा जलीकोठी का जो इलाका है वहाँ भी हॉटस्पॉट का ही क्षेत्र है, तो लिहाजा यहाँ भी हॉटस्पॉट वाले इलाके से ही नए मरीज बढ़ रहे हैं। मैं इस वक्त मेरठ के ही एक हॉटस्पॉट वाले इलाके में ही मौजूद हूं। यानी हॉटस्पॉट वाला जो प्लान था वो पूरी तरह से कारगर साबित हुआ। लखनऊ की तरफ रुख कर लेते हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी रंजना भी जुड़ गई हैं। रंजना, लखनऊ में कोरोना को लेकर क्या स्थिति और जिस तरीके से यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि हॉटस्पॉट का जो उनका प्लान था वो पूरी तरीके से कारगर साबित हुआ, उसको किस तरीके से देखे, क्या वाकई जमीन पर भी वो प्रयास दिखाई देते हैं? बिल्कुल गायत्री, हॉटस्पॉट का जो सिद्धांत था जिसको अपनाया यूपी सरकार ने वो काफ़ी सफल है और जितने जो पेशेंट कोरोना के आ रहे हैं वो 90 से 95% हॉटस्पॉट इलाके से ही हैं। सदर का इलाका हो लखनऊ का या फिर जो नज़ीराबाद का इलाका हो, इन सब इलाके जो हैं जहां से एक एक करके जिस तरह से ना एक ही दिन में सदर के इलाके से जो हॉटस्पॉट का इलाका है 17, 20, 30 ऐसे पेशेंट आए, लेकिन बाकी इलाकों अगर लखनऊ को हम देखें तो उधर से बिल्कुल ही पेशेंट नदारद रहे। तो इस तरह से देखा जाए तो जो फंडा अपनाया यूपी गवर्नमेंट ने हॉटस्पॉट का जो सिद्धांत लेकर के चला वो बिल्कुल सक्सेसफुल है और लखनऊ में भी ये स्थिति देखने को मिल रही है कि अभी भी जो पेशेंट मिल रहे हैं वो इन्हीं इलाकों से जो मिल रहे हैं, 90 से 95% जो पेशेंट है वो इन्हीं इलाकों से हैं। तो जो सील कर दिया गया हॉटस्पॉट इलाके चिन्हित करके, क्योंकि जब जो प्रशासन स्थानीय प्रशासन ने ये जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभाई और सरकार के इस सिद्धांत को बिल्कुल इस तरह से पालन किया कि जिसका जो फायदा दिख रहा है, क्योंकि जो संक्रमण फैलने का जो डर था वो चेन की जो बात की जाती है कि जो चेन वो उसको तोड़ दिया गया और वो लखनऊ में अगर हम देखें तो ये प्लान बिल्कुल सक्सेसफुल रहा और हॉटस्पॉट इलाके से ही अधिकांश। यानी कुल मिलाकर कहें कि वक्त रहते ऐसे इलाकों को चिन्हित कर लिया गया, संक्रमण को एक दायरे में सीमित कर दिया गया ताकि मामले आगे ना बढ़े, ताकि संक्रमण आगे ना फैले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन की वजह से अपने राज्य में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों को वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गुजरात सरकार ने इसके लिए अलग अलग जिलों में सरकारी बसों को तैयार रहने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद बसों के जरिए मजदूरों को पड़ोसी राज्यों की सीमाओं तक छोड़ दिया जाएगा। वहीं दूसरे राज्यों के जो लोग लॉकडाउन की वजह से गुजरात में फंसे हैं वो भी बस या फिर अपनी गाड़ी से वापस लौटने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब को हमने रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पर जो बाहर के श्रमिक वर्ग के लोग हैं वो अपने वतन जाना चाहते हैं, लॉकडाउन की वजह से अभी यहाँ पर भी इंडस्ट्री बंद है और कुछ दिन बंद रहने की संभावना है और उनके घर से भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं, तो इसके लिए उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी साहब को रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने कलेक्टर श्री को सूचना दी है कि जो अपने वाहन में अपनी व्यवस्था से जाना चाहते हैं उनको परमिट कीजिए। तो वही प्रोसेस हमने शुरू किया, वो लोग अपने ऑनलाइन भी वो कर सकते हैं और उसके अंदर कौन सी गाड़ी में जाना चाहते हैं, कितने लोग हैं, वो सब वो डिटेल के साथ अप्लाई करेंगे तो उनको परमिट मिल जाएगी। वो कलेक्टर ऑफिस नहीं जा सकते, ऑनलाइन ही कर सकते हैं। हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनक, वो मजदूर जो फंसे हुए थे जिनको इंतजार था कि उनके लिए कोई कदम उठाया जाए, अब इस दिशा में गुजरात सरकार की तरफ से पहल शुरू हो चुकी है, लेकिन उन मजदूरों को लोगों को भेजने का सिलसिला कब तक शुरू हो पाएगा, इस बाबत कुछ पता चल पा रहा है? केंद्र सरकार के अप्रूवल की इंतजार है, चूंकि ये केवल एक राज्य का मामला नहीं है,
गायत्री जी की उनको अलग अलग राज्यों में भेजना है, तो जिन राज्यों में श्रमजीवी को भेजा जाना है वहां पर किस तरीके की तैयारियां होगी, उनको किस तरीके से 14 दिन के क्वारंटाइन में रखना होगा, किस क्या तरह की व्यवस्था होगी, ये जो तैयारियां हैं वो जो श्रमजीवी हैं वो अपने राज्य की सीमा तक पहुंचाने की जिम्मेवारी राज्य सरकार ले रही है। यानी कि मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश का कोई श्रमजीवी है तो उसको मध्य प्रदेश सीमा तक पहुंचाया जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार है वो उनको अपने जिले में ले जाए, जहां का जहां श्रमजीवी हो उनके जिले तक पहुंचाए, लेकिन उससे पहले उनका थर्मल स्कैनिंग हो, उनको क्वारंटाइन में रखने की जरूरत हो तो 14 दिन क्वारंटाइन में रखा जाए। तो ये स्ट्रेटेजी अलग अलग राज्यों को भी करनी है, तो अब केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस आएगी उसके मुताबिक राज्य तैयार रहेंगे। लेकिन जहां तक यहाँ तैयार है 179 जितने शेल्टर होम है, जहां जितने भी श्रमजीवी है उनको कहा गया है कि अब वो जो बस डिपो है वहां पर बसेस तैयार है, बस अब इंतजार है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आए तो उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में रखा जाए कि जो मध्य प्रदेश जाना है, जिनको जिनको राजस्थान जाना है, जिनको उत्तर प्रदेश जाना है, जिनको छत्तीसगढ़ जाना है, उनको किस तरीके से पहुंचाया जाए, ये तैयारियां हो रही है गायत्री जी। और उधर गुजरात के सूरत में पुलिस ने 100 से ज्यादा मजदूरों को पकड़ा है, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे ये सभी मजदूर एक ट्रक में गलत तरीके से छिपकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने लॉकडाउन के बीच ट्रक को जांच के लिए रोका था, इस दौरान सभी मजदूरों के ट्रक के अंदर छिपे होने की बात सामने आई और फिर पुलिस ने सभी को ट्रक से नीचे उतारकर पकड़ लिया। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच बीती रात सरकार ने जरूरी सामान के अतिरिक्त कुछ और दुकानों को खोलने का नया आदेश जारी किया। मोहल्ले की दुकानों को खोलने के इस नए आदेश के बारे में साफ करते हुए गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि जो दुकानें सामान बेच रही हैं वो तो खुल सकती हैं, लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं जैसे कि सैलून हुआ, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा, उनको खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं है। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत भी नहीं दी जा रही। अभी तक जो क्षेत्र कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते थे वहां पर गृह मंत्रालय के आदेश से जो दुकानें एसेंशियल आइटम्स यानी कि आवश्यक वस्तुएं बेच रही थी सिर्फ उनको खोलने की अनुमति थी। समय समय पर आवश्यकता अनुसार गृह मंत्रालय ने कुछ और प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जैसे कि हाल में मोबाइल रिचार्ज की सुविधा के लिए। लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कल गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। अभी बाबर शॉप्स और हेयर सलून्स खोलने की अनुमति नहीं है। हमारे राष्ट्रीय निर्देश के अनुसार लिकर शॉप्स या शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। दूसरी तरफ कोरोना संकट के बीच कई राज्य सरकारों ने दुकानों को फिलहाल बंद रखने का फैसला किया है। यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी दुकानें खोलने के लिए जारी नई छूट को लागू करने के पक्ष में नहीं दिख रहा। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने आज से देश भर के मोहल्लों में दुकानें खोलने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि निर्देशों में ये भी साफ है कि ये छूट कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लागू नहीं होगी। गृह मंत्रालय के निर्देशों का कई जगह असर भी दिखाई दिया। गुजरात सरकार ने राज्य के हर जिले में कल से दुकानें खोलने का फैसला किया। हालांकि ये भी साफ कर दिया गया है कि रेड जोन वाले इलाकों में दुकानों को छूट नहीं दी जाएगी। वहीं गुजरात सरकार ने आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी 50% कर्मचारियों के साथ काम शुरू करने की इजाजत दे दी है। राज्य सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन जगहों पर छूट दी जाएगी वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद गुजरात सरकार ने यह फैसला किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है और लॉकडाउन में जो छूट जारी है सिर्फ वही बनी रहेगी। कोई भी नई छूट देने का सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। सूत्र ये बता रहे हैं कि पंजाब में गेहूं कटाई, जरूरी सामान की दुकानों और उद्योगों के लिए पहले से ही लॉकडाउन में सख्त प्रोटोकॉल के साथ राहत दी जा चुकी है। अब इससे ज्यादा राहत पंजाब में संभव नहीं है। बलबीर सिंह सिद्धू साहब मौजूद हैं। सिद्धू साहब, जो ये गाइडलाइन है होम मिनिस्ट्री के, ये लागू होंगे पंजाब में, दुकानें खुल सकती हैं? जरूरी सामान की दुकानें तो आप पहले ही खोली हुई हैं, लेकिन क्या बाकी दुकानों को खोलने की कोई है उम्मीद, कोई ऐसा चांस बन सकता है कि उन दुकानों को मौका दिया जाए? देखो, सेंटर का अपना सिनेरियो है, अपना प्रव्यू है, उनकी अपनी सोच है कि वो कैसे, वो उन्हें पूरे स्टेट का, हिंदुस्तान का, कंट्री का देखना होता है।
लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे हालात स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है, हमारे जो पब्लिक है वो किस तरह की है, या दूसरे सूबे में किस तरह की पब्लिक है, जहाँ हमारे फुटफॉल कितनी है, बाहरले सूबे में फुटफॉल कितनी है, वो सबको देखना पड़ेगा। हमारे सीएम साहब ने कल स्टेटमेंट दी है कि हम शायद लॉकडाउन को बढ़ाएंगे, हाँ उसमें हो सकता है वो कोई फैसले भी थोड़ा बहुत चेंज कर लें, कुछ और इसमें ऐड हो जाए जिससे थोड़ा बहुत स्टेट का रेवेन्यू भी स्टार्ट हो जाए, तो वो कर सकते हैं। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में अपने फैसलों, महामारी से निपटने की रणनीति के लिए पीएम मोदी की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। इस मुद्दे पर अमेरिकी संस्था गैलप ने एक सर्वे करवाया है जिसमें 83% भारतीयों ने माना कि पीएम मोदी की सरकार कोरोना से निपटने में ठीक से काम कर रही है। हालांकि इसी सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के काम को उनके देश के आधे से भी कम लोगों ने सही ठहराया। इस सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काम को सिर्फ 42% अमेरिकी नागरिकों ने ठीक बताया। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के काम को वहां की 47% जनता का समर्थन मिला, जबकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काम को 49% और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन के काम को भी 49% नागरिकों का समर्थन मिला। लोकसभा सचिवालय ने कोरोना से निपटने के लिए संसद भवन में कंट्रोल रूम बनाया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्य विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद यह फैसला किया। सांसदों, विधायकों और आम जनता के बीच जल्द संपर्क स्थापित हो सके इसके लिए कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। और अब बात पंजाब की। पंजाब में कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई। जाने माने क्रिकेटर रहे और कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अमृतसर में लोगों का हाल पूछा और जरूरतमंदों को राशन बांटा, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता दिखाई नहीं दिया। सिद्धू से मिलने और उनसे राशन लेने वालों ने लॉकडाउन के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। ये बात गौर करने वाली है कि पंजाब सरकार कोरोना की वजह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है, जबकि कांग्रेस के ही नेता सरकार के नियमों का सख्ती से पालन नहीं करवा रहे, जिसकी तस्वीर सामने आई है। अमृतसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पंजाब सरकार में मंत्री भी रहे हैं, और जब वो यहां लोगों से हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, राशन बांटने के लिए पहुंचे थे, तो देखिए किस तरीके से लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया, और ये तब है जब पंजाब सरकार लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है। और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से। सीएम योगी ने यूपी में खाने पीने और जरूरी सामान की सप्लाई से जुड़े हर शख्स की कोरोना जांच के निर्देश दिए हैं। कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े कर्मचारियों के भी कोरोना टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश पर यूपी के हर जिले में एक टीम बनाई जाएगी जो कोरोना से निपटने पर काम करेगी। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में छोटे उद्योगों को प्राथमिकता से शुरू करने के लिए भी कहा है। ईडी को तबलीगी जमात के मुखिया और मरकज से जुड़े ट्रस्ट के बैंक खाते का पता चला है। ईडी की तफ्तीश में मदरसा काशी उल उलूम नाम के ट्रस्ट का पता चला है, जिसके नाम से दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात और मौलाना साद का बैंक खाता है। ईडी की माने तो 1973 से चालू इस खाते में करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी मिली है। ईडी ने बैंक से ट्रस्ट के खाते की सारी जानकारी मांगी और ईडी मौलाना साद और उसके बेटे से जल्द पूछताछ कर सकती है। न्यूज 18 ने सबसे पहले मौलाना साद से जुड़े ट्रस्ट के बैंक खाते की जानकारी दी थी। कोरोना के खिलाफ जंग में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे नेताओं के लिए मिसाल कायम की है। उन्होंने कोरोना संकट के बीच 28 दिन तक राज्य में न सिर्फ अकेले सरकार चलाई बल्कि कोरोना से जंग के लिए पूरे राज्य को एकजुट भी किया। महामारी के बीच मिसाल बनी मध्य प्रदेश सरकार। कोरोना वायरस के खिलाफ चुनौतियों को चित करने की कोशिश। जहां चाह वहां राह, इस मंत्र को सार्थक किया है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने। कोरोना काल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 28 दिन अकेले न सिर्फ सरकार चलाई बल्कि इस कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में पूरे राज्य को एकजुट किया। इस दौरान सरकार के सामने तमाम चुनौतियां पेश आईं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना प्रभावित इलाकों का भी दौरा किया। इतना ही नहीं, सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों को भी उनके घर तक सकुशल पहुंचाने का काम किया।
हमारी बेटियां भी बहादुरी के साथ लड़ रही हैं। वो कई दिनों से यहाँ थी लॉकडाउन के बाद, तो मुझे लगा कि मैं उनसे मिलने आऊँ, उनसे बात करूँ, कोई समस्या हो तो उसका भी समाधान करें और उनका हौसला बढ़े। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए भी रोड मैप तैयार कर लिया है, जिसके तहत दूसरे राज्यों में फंसे 1,10,000 मजदूर घर वापसी कर सकेंगे। ये मजदूर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी में फंसे हैं। इन सभी मजदूरों की वापसी का इंतजाम सरकार करेगी। इतना ही नहीं, राज्य सरकार ने कोरोना संकट को अपनी पहली चुनौती माना है। यही वजह है कि सभी विधायकों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वो अपनी विधायक निधि का इस्तेमाल इस कोरोना काल में करेंगे। हम लोगों ने पीपीई किट से लेकर बाकी सुरक्षा के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं थी वो करने की पूरी कोशिश की। इसमें डॉक्टर्स के और पैरामेडिकल स्टाफ के इस समर्थन को प्रणाम करता हूं। इस महामारी के बेहद कठिन दौर में मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ बेहद अहम फैसले भी लिए हैं, जिनके तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 2 माह का एडवांस भुगतान किया गया है। मजदूरों को 1,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान, आदिवासी जनजातियों को 2 महीने की एडवांस राशि, किसानों का 2200 करोड़ का बीमा सरकार ने ही जमा किया है, करीब 15 लाख किसानों को फसल बीमा के 2,990 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। यूपी सरकार दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों में 2,224 लोगों को वापस लाई है। हरियाणा से 82 बसों के जरिए इन मजदूरों को लाया गया है, जबकि 11,000 लोगों को कल लाया जाएगा। हरियाणा राज्य से लगभग 82 बसों में आज प्रथम चरण में 2,224 लोग लाए जा रहे हैं और लगभग सभी बसें उत्तर प्रदेश आ गई हैं और प्रदेश के 16 जनपदों में ये बसें पहुंचकर पुनः इनको क्वारंटाइन में अपने जनपद में ही एक सुदृढ़ और मजबूत व्यवस्था के तहत मेडिकल चेकअप कराने के बाद रखा जाएगा। इनके भोजन पानी की अच्छी व्यवस्था की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि इनको कोई कठिनाई किसी तरह की ना हो।